आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप नए वीडियो देख सकें। दोस्तों, अगर आयुर्वेद के किसी भी तरह के पुराने नुस्खे प्राप्त करना चाहते हैं, घरेलू प्रयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, www.आयुर्वेदसमाधान.com। चलिए आज हम लौंग के फायदों की बात करेंगे। दोस्तों, पेट के रोग में लौंग के फायदे बहुत जबरदस्त होते हैं। अब पेट के रोगों में करना क्या है जरा देख लीजिए। लौंग, सुंठी, मिर्च, पीपल, अजवाइन 10-10 ग्राम ले लें, ये सारा कुछ चीजें। सेंधा नमक ले लें 50 ग्राम तथा मिश्री ले लें 50 ग्राम। इन सबको महीन पीस लें। इन्हें चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें और इतना नींबू का रस डालें कि पूरा चूर्ण नींबू के रस में डूब जाए। अब इसे धूप में सुखा लें। इसे एक चम्मच भोजन के बाद सेवन करने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है। इससे बदहजमी और खट्टी डकार आने की समस्या ठीक हो जाती है। और भी प्रयोग बता देते हैं। 1-2 ग्राम लौंग कूट लें, इसे 100 मिलीलीटर जल में मिलाकर काढ़ा बना लें। जब काढ़ा 20 से 25 मिलीलीटर रह जाए तो इसे छानकर ठंडा कर पिएं। इससे हैजा और अपच की समस्या में लाभ मिलेगा। लौंग का काढ़ा या लौंग के तेल से गैस की समस्या तुरंत दूर हो जाती है। पेट के रोगों में जो आपको फायदेमंद हो, जो आपको सरल लगे, वो प्रयोग कीजिए। एक और प्रयोग बता रहे हैं। जायफल, लौंग तथा जीरे को समान मात्रा में ले लें, इसका चूर्ण बना लें। इसे 2-3 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद और शक्कर के साथ सेवन करें। इसे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। लौंग के दरदरे 10 ग्राम चूर्ण को 1 लीटर उबलते हुए जल में डालकर ढक दें, आधे घंटे बाद छान लें। 25-50 मिलीलीटर जल को दिन में 3 बार पिलाने से अपच की समस्या ठीक होती है और भूख लगती है। लौंग, सौंठ 10-10 ग्राम ले लें। अजवाइन और सेंधा नमक 12-12 ग्राम ले लें। अब इसका चूर्ण बना लें। इसे 1 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद जल के साथ सेवन करें। इससे अपच और एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाती है। सिरदर्द और माइग्रेन में कैसे फायदा करता है लौंग जरा देख लीजिए। आप लौंग के फायदे सिरदर्द की परेशानी में कैसे ले सकते हैं? अगर कोई रोग आधा सीसी से पीड़ित है या फिर किसी भी प्रकार का सिरदर्द है उसके, तो लौंग का प्रयोग उसमें लाभ देगा। इसके लिए करना क्या है, 6 ग्राम लौंग को पानी में पीस कर सुखा लें। इसे थोड़ा गर्म कर लें। इसका कान के आसपास गाढ़ा लेप करने से सिरदर्द या आधा सीसी की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।